नमस्कार, आज हम शरीर के इन सात चक्रों को जगाने की अनोखी योग क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। योग सिद्धांत के अनुसार साधक को नित्य दिनचर्या समाप्त करके और शुद्ध होकर प्रातःकाल योग निद्रा की स्थिति में पद्मासन लगाकर बैठ जाना चाहिए और अपनी आंखें इस प्रकार से मूंदे जैसे आपको लगे कि आप अपनी नाक के केंद्र में देख रहे हो। अब सबसे पहले साधक को अपने नियम और संयम के साथ योग साधना, तपस्या और ध्यान का आश्रय लेकर अपने प्राणों को मेरुदंड के सबसे निचले भाग सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करवाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। इस क्रिया को करने के लिए साधक को विशेष धैर्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि इससे साधक को अपने शरीर में कुछ अलग प्रकार के परिवर्तन महसूस हो सकते हैं, जिससे उसका मन भ्रमित भी हो सकता है। जैसा कि बताया जा चुका है कि मेरुदंड का सबसे निचला भाग मूलाधार चक्र का स्थान है, इसलिए साधक को इस चक्र को जागृत करते समय लंग बीज मंत्र का ध्यान करते हुए श्री गणेश जी का भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को इस चक्र का प्रहरी माना जाता है और दूसरे अर्थ में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले श्री गणेश का पूजन ही अनिवार्य बताया गया है। मूलाधार चक्र के जागने के बाद साधक को चाहिए कि वो इसके बाद कुंडलिनी शक्ति को अगले स्वाधिष्ठान चक्र में ले जाने का प्रयास करे। मूलाधार के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान है और इसी चक्र में कुंडलिनी के प्रवेश करते ही ये चक्र बहुत ही शीतल और प्रकाशमय हो जाता है। इस चक्र का प्रहरी भगवान विष्णु को माना गया है और इस चक्र के जागृत होते ही साधक के अंदर सारी बुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती है। इस स्थिति में साधक को वंग बीज मंत्र का जाप करके साधना करनी चाहिए, ताकि इस चक्र को पूरी तरह से जागृत कर सके। इस चक्र पर विजय प्राप्त करने के बाद साधक को रंग बीज मंत्र का जाप करते हुए कुंडलिनी को मणिपुर चक्र की ओर उठाने का प्रयास करना चाहिए, जिसका स्थान नाभि की ओर स्थित है। इस चक्र में प्राण के पहुंचते ही साधक को दिव्य और शक्तिशाली शक्तियों का आभास होने लगेगा, साथ ही नाभि प्रदेश में निवास करने वाले देवी देवताओं के दर्शन भी हो सकेंगे। मणिपुर चक्र के बाद साधक को यंग बीज मंत्र में अपने सारे ध्यान केंद्रित करके प्राण वायु को और ऊपर की तरफ अर्थात हृदय के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए, जहां पर अनाहत चक्र का स्थान है, क्योंकि यंग बीज मंत्र अनाहत चक्र को जगाने में सहायक होता है। यदि उसे ऐसा करने में कोई भी कठिनाई महसूस होती है तो साधक को चाहिए कि वो उसी समय क्रोध बीज मंत्र का जाप करे। ऐसा करने से प्राण वायु को एक अलग से उत्तेजना प्राप्त होगी और इससे प्राण ऊर्ध गति यानी ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ऐसा करने से प्राण वायु अनाहत चक्र को जागृत करने में सफल हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि हृदय के इस चक्र से प्रकृति का सबसे बड़ा नाद आनंद नाद और ब्रह्म नाद उठना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि इस चक्र को जागृत करने के बाद साधक के मन में एक अलग सा ही उल्लास जागृत हो जाता है और उसे लगने लगता है कि अब उसे कुछ भी पाने की इच्छा शेष नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हृदय भाग के इस अनाहत चक्र के विषय में एक बहुत ही रोचक जानकारी योग सिद्धांत में बताई गई है, और वो ये है कि इस चक्र पर निरंतर संयम के साथ ध्यान करने से इसके निचले सभी चक्रों को नवजीवन प्राप्त कराया जा सकता है। इसके अलावा प्राचीन काल में भी उच्च कोटि के सिद्ध आर्षि मुनि भी इस अनाहत चक्र की शक्तियों से परिचित थे और इसी के जरिए अपनी इंद्रियों को वश में रखा करते थे। इसी कारण उस समय के आर्षि मुनि इस चक्र का ध्यान करके सालों तक ध्यान में लीन रहा करते थे और इसीलिए इनके तेज से देवता भी इस चिंता में पड़ जाते थे कि कहीं इन्हें स्वर्ग प्राप्त करने की लालसा तो नहीं, और फिर उनकी तपस्या को नष्ट करने का हर संभव प्रयास करते रहते थे। उदाहरण के तौर पर महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका को भेजा था, और जिससे विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई और कुछ समय के लिए उनकी आध्यात्मिक शक्तियां नष्ट हो गई थी। लेकिन वो एक सिद्ध साधक थे, इसीलिए उन्होंने इसी अनाहत चक्र पर संयम से ध्यान करके फिर से सारी शक्तियां प्राप्त कर ली। योग सिद्धांत कहता है कि जिस साधक का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, उसके मूल आधार स्वाधिष्ठान और मणिपुर ये तीनों चक्र निस्तेज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में साधक को किसी सिद्ध गुरु की सहायता से प्रतिदिन 3 घंटे की पद्मासन की स्थिति में ओम का ध्यान लगाना चाहिए। इससे उसकी सारी शक्तियां वापस आ सकती हैं।
अनाहत चक्र के बाद साधक को चाहिए कि वो कुंडलिनी को कंठ में विशुद्ध चक्र की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करे। विशुद्ध चक्र 16 दलों वाला है और इसको जागृत करने के लिए हंग बीज मंत्र का जाप करना जरूरी बताया गया है। इस चक्र पर विजय प्राप्त करते ही ये चक्र पूरी तरह घूमने लगता है और सोई हुई शक्तियां जाग उठती हैं, जिससे साधक को प्रकृति के अनंत रहस्यों का ज्ञान होने लगता है। इस चक्र के बाद साधक छठवें चक्र आज्ञा चक्र को अपनी संकल्प शक्ति द्वारा जागृत करने का प्रयास करता है, जिसका स्थान माथे के पास भ्रकुटियों के बीच बताया गया है, जहां साधक अपनी प्राणवायु को ओम बीज मंत्र द्वारा स्थापित कर देता है। आज्ञा चक्र को जगाते ही साधक के शरीर में विद्युत तरंगों जैसी झनकार उत्पन्न होने लगती है और शरीर में एक दिव्य प्रकाश सा खेल उठता है। आग्रह चक्र का ये स्थान तीसरे नेत्र के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही छठी इंद्री, जिसे सिक्स सेंस के नाम से जाना जाता है, उसका स्थान भी इसी आज्ञा चक्र में माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आज्ञा चक्र की तुलना सांसारिक जगत के पावन धाम प्रयागराज से की गई है, क्योंकि यह माना जाता है कि प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का केंद्र है। उसी तरह आज्ञा चक्र भी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का एक केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि महादेव शिव शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप का केंद्र यही आज्ञा चक्र है, जिसे पूरी तरह से जानने के लिए साधक को और गहराई से, संयम से और लंबे समय तक साधना करनी पड़ेगी। अपने पुत्र राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग इसी मार्ग से किया था, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसा योग आरषियों का मानना है। आज्ञा चक्र से संबंधित एक और उदाहरण देखने को मिलता है, जिसका संबंध माता सती के देह त्याग से है। उन्होंने आज्ञा चक्र के जरिए ही अपने प्राण त्यागे थे, लेकिन फिर भी उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब सती ने अपने प्राण आज्ञा चक्र में पहुंचाए तो उसे निकालने के लिए तीन मार्ग होते हैं, जिनमें से अगर ब्रह्मानंद से होकर प्राण निकाले जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सती ने दूसरे मार्ग से प्राण त्याग किए और इसीलिए उनका अगला जन्म हिमालय के घर पार्वती के रूप में हुआ, जिस साधक ने अपने पूरे संयम के साथ आज्ञा चक्र को जीत लिया है। वह ब्रह्माक्षर मंत्र का ध्यान करके कुंडलिनी को सबसे आखिरी और सातवें महत्वपूर्ण चक्र सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करवा दे। इस चक्र का स्थान मनुष्य के मस्तिष्क के केंद्र में बताया गया है, और सबसे रोचक बात यह है कि इस चक्र के बारे में ऐसी बहुत सी इनसुलझी बुद्धियां हैं, जिसे अभी भी कोई नहीं सुलझा पाया। जैसे कि सबसे पहले ये बताया गया है कि इस चक्र को जागृत कर लेने के बाद साधक को इस अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। जिस तरह इंद्रधनुष में अलग अलग प्रकार के सात रंग प्रकाशित होते हैं, ठीक उसी तरह शरीर के इन सात चक्रों को जागृत करने के बाद शरीर में सात प्रकार की अलग अलग अलौकिक शक्तियां जन्म लेने लगती हैं। कुछ कुछ जगहों पर शरीर के नौ चक्रों के बारे में बताया गया है, क्योंकि ऐसा भी माना गया है कि आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बीच दो और चक्र मौजूद होते हैं, जो है मानस चक्र और सोम चक्र, लेकिन सांसारिक रूप से केवल सात चक्र ही प्रधान बताए गए हैं। उनमें भी जब साधक सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर जाता है तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, उसे सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग और भी आसान हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार कुछ कठोर योग साधना के जरिए शरीर के सात चक्रों को जगाने का प्रयास किया जा सकता है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपके मन में ऐसी साधना करके अपने शरीर के सात चक्रों को जगाने की लालसा उठ रही है, तो उसके लिए आप किसी भी योग्य गुरु को ढूंढ लें, क्योंकि यही योग्य विद्या का सिद्धांत भी कहता है। और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।